सो हेलो एवरी वन इन दिसो लेट्स किस्ट प्रॉब्लम दैट इज बिग बटन ओके सो एज ऑलवेज लेटेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बायरस्टैंडिंग द्वेश्चन बिग बटन यू आर अंटेस्टेंट ऑन अलर न्यू गेम शो एंड आर प्लेइंग फॉर द ग्रेड प्राइस देर आर टू बिग बटन है रेड वन एंड अ ब्लैक वन क्या बोला गया है कि दो बटन है ठीक है एक है रेड और एक है ब्लैक ठीक है और हम एक कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यू विल मेक अ सीक्वेंस ऑफ एक्जेक्टली एन बटन प्रेसेस हमें क्या करना है एक सीक्वेंस बनानी है ऑफ एन बटन प्रेसेस ठीक है एग्जेक्टली exactly एन इससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं ओके देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ प्रेसेस यू कुड मेक बट देखो क्या बोला गया लॉट ऑफ़ डिफरेंट अगर मान लो मेरे पास हैं बटन प्रेस करने मुझे तो मैं सभी पे या तो रेड कर सकता हूं या तो ब्लैक कर सकता हूँ रेड या ब्लैक रेड या ब्लैक पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है ठीक है तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हुई मेरे पास टोटल कितने सिक्वेंसिस पॉसिबल होंगे टू की पावर एन क्योंकि हर एक पोजिशन पे दो पॉसिबिलिटी मतलब टू इंटू टू इंटू टू अपू एन टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा टू की पावर एन बट देर आर पी फोरबिडन प्रिफिक्सिस ईच ऑफ लेंथ नो ग्रेटर देन क्या बोला गया है कि पी फॉरबिडन फॉरबिडन मतलब क्या बैंड या तो फिर अलाउ नहीं है ऐसा कह सकते हैं पी नंबर ऑफ प्रिफिक्सिस है ऐसे जो कि अलाउड नहीं है ठीक है पी फॉरबिडन प्रीफिक्सेस मतलब पी प्रीफिक्सेस ऐसे हैं जो कि अलाउड नहीं है टोटल टू की पावर एन है उसमें से ठीक है और ईच ऑफ लेंथ नो ग्रेटर देन एन मतलब ये जो प्रीफिक्सेस है जो कि अलाउड नहीं है उनकी साइज वन uh, से लेकर एन तक होगी ओके इफ यू मेक अ सीक्वेंस ऑफ प्रेसेस विच बिगिंस विथ एनी ऑफ द फॉरबिडन सीक्वेंसेज यू विल नॉट विन द ग्रैंड प्राइज ठीक है क्या बोला गया है कि अगर आप टोटल टू की पावर एंड पॉसिबिलिटी है उसमें से कोई भी एक सीक्वेंस बनाते हो एन साइज की अगर उसमें से उ, उ, उसका जो प्रीफिक्स है वो किसी भी फॉरबिडन प्रीफिक्स के साथ अगर मैच होता है तो आपको ग्रैंड प्राइज नहीं मिलेगा फॉर एग्जांपल मान लो पी फॉरबिडन प्रीफिक्स है उसमें से एक है रेड रेड ब्लैक ब्लैक ठीक है और आपका एन की वैल्यू है फाइव ठीक है तो आप रेड रेड ब्लैक 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 और रेड रेड ब्लैक ब्लैक रेड ये नहीं ले सकते क्यों क्योंकि ये प्रीफिक्स यहाँ पे आ रही है ठीक है तो अगर आप इस तरह की सीक्वेंस बनाओगे तो आप लूज कर जाओगे गेम ठीक है आप ग्रैंड प्राइज नहीं जीत पाओगे ठीक है आगे इट इज फाइन फॉर योर सीक्वेंस टू कंटेन मोर फॉरबिडन एट द सवेंस क्या बोला गया है कि एक या एक से ज्यादा फॉर्बिडन प्रिफिक्सिस आपके सिक्वेंस में अलाउ है ठीक है ये जो एन साइज की है वो लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक फॉरबिडन प्रिफिक्स है और मेरी एन की वैल्यू है सिक्स तो मैं ब्लैक रेड रेड ब्लैक ब्लैक रेड ये ले सकता हूं ठीक है यहां पे भी ये जो फॉर्म प्रीफिक्स है वो इसमें भी प्रेजेंट है बट वो प्रीफिक्स के फॉर्म में नहीं है स्टार्ट से नहीं है वो ठीक है तो इस तरह से अलाउड है लेकिन स्टार्टिंग से एज अ प्रीफिक्स मान लो ये लिया तो यहां पे तो ये प्रीफिक्स के फॉर्म में तो ये अलाउड नहीं है ठीक है ओके विनिंग सीक्वेंस मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली एंड बटन ठीक है प्रेसिस एंड देखो क्या बोला गया है कि जो भी विनिंग सीक्वेंस होगी उसमें एग्जैक्टली एन बटन प्रेसिस होने चाहिए और क्या बोला गया है आगे एंड मस्ट नॉट बिगिन विन वन ऑफ द फॉरबिडन एन प्रिफिक्स हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंसेज आर देर ठीक है क्या बोला गया है कि जो हमारी विनिंग प्रिफिक्स है वो एग्जेक्टलीन exactly साइज की होनी चाहिए और वो इन पी में प्रीफिक्सिस किसी से भी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए मतलब ये जो सीक्वेंस होगी उसका जो स्टार्टिंग होगा उसका कोई भी प्रीफिक्स इनमें से किसी भी के साथ भी मैच नहीं होना चाहिए ठीक है तो पूछा गया है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल कितनी सिक्वेंसिस पॉसिबल है ठीक है समझ में आया क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारी पी की वैल्यू है टू ठीक है एन की वैल्यू है थ्री एक फॉरबिडन प्रीफिक्स है आर एक है बी बी ठीक है ये पी की वैल्यू टू है तो एक फॉरबिडन प्रीफिक्स ये है एक ये है ठीक है अब अगर एन की वैल्यू थ्री है तो टोटल कितनी एट एट बनेगी सीक्वेंसेस रेड 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 ब्लैक रेड ब्लैक रेड फिर ब्लैक रेड रेड ठीक है दो रेड आ गए अब एक रेड की बात करें रेड ब्लैक 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 रेड ब्लैक और ब्लैक ब्लैक रेड और आखिर में ब्लैक 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 ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल एट पॉसिबिलिटी है उसमें से इन दोनों में से कोई भी प्रीफिक्स नहीं होनी चाहिए मतलब स्टार्टिंग लेटर आर नहीं होना चाहिए मतलब ये वैलिड नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये, ये वैलिड नहीं है और स्टार्टिंग बी बीबी नहीं होना चाहिए तो ये भी वैलिड नहीं है ये भी वैलिड नहीं है तो वैलिड बची कितनी बी आर बी और बी आर आर तो हमारा आंसर क्या हो गया टू क्योंकि दो वैलिड स्ट्रिंग से सीक्वेंस ठीक है ओके तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब इसके कंसेप्ट जम करते हैं ठीक है तो अब कंसेप्ट देखते हैं तो पहली चीज तो कि मान लो टोटल टू की पावर एंड पॉसिबिलिटीज है ठीक है तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है कि सारी टू की पावर एंड जनरेट करो सीक्वेंसेस और सभी सीक्वेंस को P1 सॉरी F1 F2 अप टू अपू एफ जो भी फॉरबिडन एंड प्रिफिक्सिस हैं उनके साथ मैच करो मतलब एक जो सीक्वेंस जनरेट की उनको सभी प्रीफिक्सेस के साथ मैच करो फॉरबिडन के साथ अगर मैच हो रहा है तो काउंट नहीं करेंगे अगर किसी भी फॉरबिडन प्रीफिक्स के साथ इसका प्रीफिक्स अगर मैच नहीं होता तो काउंट करेंगे और ऐसे टू की पावर एंड सिक्वेंसिस जनरेट करेंगे और सबको कंपेयर करेंगे बट ये एक्सपोनेंशियल टाइम लिमिट हो जाएगा ठीक है एक्सपोनेंशियल टाइम लेगा तो टाइम लिमिट के बाहर चला जाएगा ओके तो अब यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं अब फॉर एग्जाम्पल मान लो एन की वैल्यू है फोर देखो हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी हो सकती है ठीक है तो अब उल्टा सोचते हैं टोटल में से जो भी इनवैलिड है उनको माइनस कर सकते हैं क्या जो वैलिड है उनको काउंट करने में हमें एक्सपोनेंशियल टाइम लग रहा है ब्रूट फोर्स मेथड से तो एक काम करते हैं टोटल में से अगर मैं इनवैलिड को माइनस कर दूंगा तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी आंसर मिलने की ठीक है ओके

तो हम एक काम करते हैं हम टोटल में से इन प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा टोटल माइनस सीक्वेंसेस स्टार्टिंग विथ फॉरबिडन प्रीफिक्सेस ठीक है हम क्या कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस माइनस सीक्वेंस जो इन प्रीफिक्स से स्टार्ट करती हो वो कर देते हैं ठीक है ओके okay. अब एक बात हमें पता है कि टोटल जो भी सीक्वेंसेस हम काउंट करने वाले हैं वो फोर लेंथ की होगी ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाली फोर लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स होगी ठीक है क्या क्वेश्चन है स्टार्टिंग विथ प्रीफिक्स एंड लेंथ n यहां पे n की वैल्यू है फोर तो इस प्रिफिक्स से स्टार्ट होने वाली n लेंथ की कितनी है देखो हम क्या कर रहे हैं टोटल माइनस इनवैलिड कर रहे हैं तो टोटल है माइनस ये हमारा आंसर हो गई टोटल माइनस अब यहां पे मैं इनवैलिड को माइनस करूंगा अब देखो टोटल लेंथ है फोर ठीक है और ये प्रिफिक्स से स्टार्ट हो रही है तो ये दो तो फिक्स हो गए अब यहां पे आर या बी दो वैल्यूज आ सकती है आर कोमा बी ठीक है मतलब दो यहां पे भी आर कोमा बी मतलब दो क्योंकि ये दोनों में तो कुछ भी आ सकता है ये हो गया यहां पे एक ही है यहां पे एक ही है तो आर और बी प्रिफिक्स से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग्स हो गई वन इंटू वन इंटू टू इंटू टू फोर तो सिक्सटीन माइनस फोर प्लस ये सारी इनवैलिड है ठीक है और ये क्या है टोटल अब सेकेंड क्या है टोटल लेंथ फोर स्टार्टिंग प्रीफिक्स क्या है बी बी मतलब यहां पे भी एक ही पॉसिबिलिटी क्योंकि बी एक फिक्स हो गया है और यहां पे भी एक ही अब यहां दोनों आ सकते हैं मतलब दो पॉसिबिलिटी यहां पे भी आर और बी दो आ सकते हैं मतलब दो पॉसिबिलिटी तो टोटल बीबी प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग होगी वन इंटू वन इंटू टू इंटू टू मतलब कि फोर तो यहां पे भी फोर टोटल माइनस इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स माइनस इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स तो इन वैलिड को हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर टोटल एट वैलिड स्ट्रिंग्स होगी फोर लेंथ की जिनके प्रीफिक्स इन दोनों में से कोई नहीं होंगे ठीक है तो ये हम कर सकते हैं ओके ओके अब यहाँ पे भी एक आ, 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 आप कह सकते हैं एक लूप होल है वो क्या है वो देख लेते दे. हैं आई होप कि ये कांसेप्ट आपको समझ में आ गया है ये हमें टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो अभी मैं इंप्लीमेंटेशन में बताता हूँ. अब मान लो n की वैल्यू है 4 ठीक है और p की वैल्यू है 3 ओके अब यहाँ पे मान लो r b ही है एक है हमारा r b r ठीक है पी की वैल्यू थ्री है ये तीन इनवैलिड प्रीफिक्सेस है ठीक है तो अब अगर आप कहते हो टोटल माइनस इससे स्टार्ट होने वाली कितनी थी चार इससे स्टार्ट होने वाली कितनी थी चार प्लस इससे स्टार्ट होने वाली कितनी होगी तो टोटल लेंथ फोर है ये फिक्स है आर बी आर यहां पे दो पॉसिबिलिटी है आर और बी तो दो तो इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाली तो टोटल कितनी है दो तो ये आंसर कितना हो गया टेन मतलब सिक्स बट ये रॉन्ग आंसर है क्यों क्योंकि हम एक ही स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स माइनस कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आर बी है और ये आर बी आर है ठीक है तो ये जो है वो इसका भी एक प्रीफिक्स है तो ये जो स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा और ये जो स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा उसमें से ये जो स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा वो इसका सबसेट होगा कैसे ये फर्स्ट है आर बी ठीक है तो ये कौन कौन सी फोर लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करेगा आर बी 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 आर बी बी आर आर बी आर बी आर बी आर आर ठीक है अब इस प्रीफिक्स को देखो आर बी आर ये कौन कौन सी जनरेट करेगा आर बी आर बी और आर बी आर आर तो अब देखो आर बी आर बी आर बी आर बी ये सेम है बी आर बी आर आर ये सेम है मतलब हमने जब यहाँ पे माइनस फोर किया था तो उनमें ये दोनों स्ट्रिंग ऑलरेडी कंसिडर हो गई थी अब हम जब यहां पे टू ऐड कर रहे हैं तो वो हम रिपीट कर रहे हैं ठीक है इन ये दोनों स्ट्रिंग्स को हमने दो बार माइनस किया जबकि टोटल में हमने उनको एक बार ही कंसिडर किया था क्योंकि ये रिपीट हो रही है तो ये टू यहां पे नहीं आएगा समझ रहे हो आप ओके तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा एट इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी पी स्ट्रिंग्स है उसमें से मान लो पी वन जो है वो प्रिफिक्स है पी वन जो है वो प्रीफिक्स है पी टू का तो पी टू जो एन लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा और पी वन जो एन लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा उसमें जो पी टू वाला है वो पी वन का सबसेट होगा ठीक है जैसा कि यहाँ पे आपने देखा P1 जो है वो प्रीफिक्स है P2 का ये P1 है ये P2 है P1 P2 का भी प्रीफिक्स है तो P1 जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा और P2 जो भी जनरेट करेगा ठीक है उसमें से P2 जो जनरेट करेगा वो सबसेट होगा P1 का तो P2 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में कैसे देखेंगे वो आगे देखेंगे बट ये एक लूप होल है तो ये भी ध्यान रखना है सो so, हमें बेसिकली करना क्या है हमें टोटल में से जो भी इनवैलिड है उनको माइनस करना है ठीक है और इनवैलिड काउंट करते टाइम भी हमें ऐसे जितनी भी पेयर पॉसिबल है जहां पे P1 वन इज या तो फिर PI आई इज प्रीफिक्स ऑफ PJ अगर ऐसी कंडीशन है PI आई इज प्रिफिक्स ऑफ PJ तो PJ को हमें निग्लेक्ट कर देना है क्योंकि वो जो स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा वो इसकी सबसेट होगी ठीक है तो वो स्ट्रिंग्स इसी में काउंट हो जाएगी तो दो बार सब करने की जरूरत नहीं है ओके ये कंसेप्ट समझ में आ गया टोटल में से इनवैलिड माइनस करेंगे और सभी पी आई पीजे पैरस वाइज हम चेक करेंगे पी जो स्ट्रिंग्स दी गई होगी उसमें अगर पी आई प्रीफिक्स से पीजे का तो पीजे को निगलेक्ट कर देंगे उसको हम माइनस में नहीं लेंगे ओके सो आई होप कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर है अब इसके इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं ठीक है अब इंप्लीमेंटेशन में आप देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम आंसर में स्टोर कर देंगे टू की पावर एन ठीक है ओके अब पी स्ट्रिंग्स हमें दी गई होगी ठीक है मान लो वो है एफ वन एफ टू टू एफ पी पी तो हम इन सब के लिए मान लो एक बुलियन एरे बनाते हैं ऑफ साइज का ठीक है अगर वी ऑफ आई ट्रू है इनिशियली हम सबको ट्रू रखेंगे इसका मतलब कि हम जो सब कर रहे हैं इनवेलिड स्ट्रिंग्स उसमें आई स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे अगर वी ऑफ आई फॉल्स है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे अब `vo5` फाइव फॉल्स होने का मतलब क्या है कि कोई दूसरी जो स्ट्रिंग होगी उसका ये प्रीफिक्स होगा। सॉरी, वो जो स्ट्रिंग होगी वो इसकी प्रीफिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पी आई है वो है `rb` ठीक है और एक `pj` है `rbr` ठीक है तो पी आई जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट करेगी वो सॉरी uh, पीजे जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा वो पी होगा का तो पीजे को हमें करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे ऑफ जे इक्वल्स टू ठीक है सब N. फिर से इसका एक लिया और सबको ट्रू कर दिया अब हम क्या करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रिंग को कंसिडर नहीं करना वो लेंगे मतलब फॉर इक्वल टू जीरो आई लेस देन पी I++, For, zero, P, आ, आई प्लस प्लस ठीक है फॉर pj जीरो का प्रीफिक्स है कि नहीं मतलब हम इसमें ऐसे चेक करेंगे कि अगर पी आई पी जे का प्रीफिक्स है कि नहीं या तो फिर pj पी, पी आई का प्रीफिक्स है कि नहीं ठीक है इफ आई इज प्रीफिक्स ऑफ पीजे तो हम क्या करेंगे वी ऑफ आई को फॉल्स कर देंगे सॉरी पी आई अगर प्रीफिक्स है तो वीजे को फॉल्स करना है देखो pi है पी आई प्रीफिक्स है पीजे का तो जे को फॉल्स करना है ठीक है क्यों क्योंकि ये जो स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा वो इसका सबसेट होगा एल्स एफ पी जे इज प्रिफिक्स ऑफ पी आई तो हम क्या करेंगे वी आई को फॉल्स कर देंगे ठीक है अब प्रीफिक्स है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे हम स्टार्टिंग से रन करते जाएंगे ठीक है और कैरेक्टर्स को मैच करते जाएंगे फॉर एग्जाम्पल एक, एक है ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एफ जी ठीक है अब स्टार्टिंग से इनके कैरेक्टर्स को मैच करते जाएंगे कब तक जब तक की एक स्ट्रिंग जिसकी साइज छोटी है वो खत्म ना हो जाए ठीक है तो इनको मैच किया 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 अगर एक भी मिसमैच मिलता है तो वो आ, जो स्मॉलर स्ट्रिंग है वो लार्जर स्ट्रिंग का प्रीफिक्स नहीं होगा अगर एक भी मिसमैच मिला तो अगर एक भी मिसमैच नहीं है तो जो स्मॉलर स्ट्रिंग है वो लार्जर स्ट्रिंग का एक प्रीफिक्स होगा ठीक है तो इस तरह से चेक करेंगे और ये फॉल्स कर देंगे अब हमारे पास आंसर तो है ही टू की पावर एन अब फॉर अब हमें क्या करना है इनवेलिड को माइनस करना है अब फॉर आई इक्वल टू जीरो मतलब क्या कि उसको कंसिडर करना है अब एल इक्वल्स टू मान लो जो f ऑफ i है ठीक है जो स्ट्रिंग है फॉरबिडन बिड प्रिफिक्स उसकी मैं साइज ले लेता हूं उसकी लेंथ होगी कुछ ठीक है अब एल इक्वल्स टू एन माइनस एल और आंसर इक्वल्स टू आंसर माइनस टू की पावर एल इसका क्या मतलब मान लो मेरी एन की वैल्यू है फाइव ठीक है और एक फॉरबिडन प्रीफिक्स है एफ आई जो की है आर आर बी ठीक है तो इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाली कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स होगी जो कि हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाली कितनी स्ट्रिंग होगी वो काउंट करना पड़ेगा अब इसको अगर लेंथ फाइव का बनाना है तो कितने स्पेसिस एम टी है टू टू मतलब क्या एन माइनस एल टोटल लेंथ हमें फाइव चाहिए उसमें से एन क्या है फाइव मतलब टोटल लेंथ उसमें से माइनस इस प्रीफिक्स की लेंथ प्रीफिक्स की लेंथ क्या है थ्री तो फाइव माइनस थ्री टू मतलब टू प्लेसेस हमें फिल करने हैं अगर टू प्लेसेस फिल करने हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है टू की पावर टू मतलब की फोर तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पहले मैं एल इक्वल टू एफ ओ फाइव की साइज ले रहा हूँ फिर एल को एन माइनस एल से रिप्लेस कर दे रहा हूँ और आंसर इक्वल टू आंसर माइनस टू की पावर एल तो हम यहाँ पे जब लूप के बाहर आएंगे तब हमारे पास हमारा आंसर आ गया होगा क्योंकि इनिशियली हमने टू, टू, टी, टू की पावर एन लिया था टोटल पॉसिबिलिटी फिर यहां से जिनको कंसिडर करना है वो ट्रू और फॉल्स से मेजर कर लिया और यहां पे जो भी इनवैलिड इनवैलिड सीक्वेंसेस जनरेट हो रही थी उनको माइनस कर दिया तो यहां पर जब बार आएंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये पहले तो पी स्क्वायर है ठीक है ये हो गया पी स्क्वायर अब ये एक दूसरे की प्रीफिक्स है कि नहीं वो चेक करने के लिए एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा ठीक है पी आई की प्रीफिक्स है या पीजे पीजे पी आई की प्रीफिक्स है तो वो कितने साइज का होगा एन साइज का मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन होगा ठीक है तो ये इतने का हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस ये कितने का फॉर लूप है पी और इसकी साइज़ निकालनी पड़ेगी एल तो ये अगर इनर फंक्शन हम देखें तो ये एफ ओ फाइव डॉट साइज ये निकालने के लिए कितना रन करेगा ऑर्डर ऑफ एन जो फॉरबिडन प्रीफिक्स है उनकी साइज क्या है वन से लेके एन तक तो ऑर्डर ऑफ एन ही होगी तो ये हो गया एन तो इसको हम कह सकते हैं पी स्क्र एन पी स्क्वेयर कितना होगा पी की वैल्यू क्या है टू की पावर एन या तो फिर हंड्रेड तो मैक्सिमम पी की वैल्यू क्या होगी हंड्रेड मिनिमम ऑफ टू की पावर एन और हंड्रेड है तो हंड्रेड का स्क्वायर और एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फिफ्टी मतलब कि फिफ्टी इंटू टेन की पावर फोर मतलब कि फाइव इंटू टेन की पावर फाइव तो ये गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कंसेप्ट समझ में आ गया, गया और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया है इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कॉमेंट में प्रोवाइड किया है थैंक यू